धर्मशाला में आयोजित होने वाले वनडे वर्ल्ड कप मैचों को लेकर HPCA ने जो है अपनी तैयारियां जो है लगभग सभी पूरी कर ली हैं। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो HPCA के कर्मचारी हैं और जो धर्मशाला में मैच आयोजित होने वाले हैं, पांच मैचों की मेज़बानी करने का मौका जो HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को मिला है, किस तरह से जो तैयारियां हैं HPCA के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जो है सभी तैयारियों को जो है अमलीजामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद ही जो पहला मैच है 7 तारीख को जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की दोनों टीमों के मध्य खेला जाना है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पिच भी तैयार की जा रही है। वहीं अगर पिच की बात की जाए तो ये पिच जो है हमेशा अक्सर जो तेज़ गेंदबाज हैं उनके लिए बेटर रहती है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से विदेशी खिलाड़ी हैं, अगर विदेशों की भी पिचों की बात की जाए तो विदेश की जो पिचें हैं वो भी काफ़ी फास्ट पिचें हैं, उसी के स्तर पर जो है ये पिच है, काफ़ी फास्ट पिच है। अमूमन जो तेज़ गेंदबाज होते हैं उनको इस पिच से काफ़ी मदद मिलती है। जो विदेशी बल्लेबाज, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ अभी आना है, इंग्लैंड की टीम ने यहाँ आना है, जो उनके बल्लेबाज हैं, इन टीमों के जो बल्लेबाज हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसी पिचों पर खेलना पसंद है। अगर बात की जाए तो इस पिच पर कहीं ना कहीं तेज़ गेंदबाजों को और जो विदेशी खिलाड़ी यहाँ धर्मशाला में पहुँचने वाले हैं उनको इस पिच से कहीं ना कहीं ज़रूर मदद मिलने वाली है। ETV भारत के लिए मैं सौरभ अटवाल, धर्मशाला।